समानुपाती संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ही होता है आप कितना कम समय में कितना ज़्यादा नंबर गेन करते हैं। और जो समानुपात का अध्याय है, यहाँ का जो प्रश्न सॉल्व करना है, इसके दो तीन तरीके हैं। इसको हम एक एक नियम से सॉल्व करेंगे, इससे आप समानुपात के नियम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे एक ऐसे ट्रिक, ऐसे फार्मूले को पढ़ने का जिससे हम सभी को पढ़ सकें। और हम उसी ट्रिक को, उसी फार्मूले को आपको पढ़ाएंगे, और जितने क्वेश्चन हम लगवाएंगे उसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और प्रयास करिएगा उसके उत्तर आप याद रखिएगा। हो सकता है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस बात की गारंटी है, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू परीक्षा में पूछे जाएंगे। और क्योंकि कुछ दिन बाद आप पुनः हमसे मिलेंगे, हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो मेरे द्वारा हैं पढ़ाए जाएंगे और आपको हूबहू इसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके साथी हैं, ताकि वो लोग भी आके जुड़ के और पढ़ाई स्टार्ट कर दे। चलिए शुरू करते हैं हम समानुपात के छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करना। इसके पहले हम लोगों ने प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती को पढ़ना, लिखना और सॉल्व करना दोनों तरीके से जान लिया था। अब उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हुए एक ठो और आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न छोटा सा देते हैं और आप सॉल्व करिएगा। 1.2, 3.5 फिर 3.6 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, का चतुर्थानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, 1.2, 3.5, 3.6 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, का क्या होगा। ठीक, आप लोग जवाब दीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़े। इसी में आप लोग सॉल्व करके उत्तर बताइएगा, हम इसका उत्तर नहीं बताएंगे। ये 1.2, 3.5, 3.6 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ठीक, इसका जवाब लोग हमें दीजिएगा, हम बता देंगे आपका आंसर सही अथवा नहीं। क्योंकि करना क्या, एक बार हम सवाल को लगा देते, 1.2 अनुपाते 3.5 समानुपाते 3.6 अनुपाते, यस, फिर बाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, जो उत्तर आएगा आप उसे बताइएगा। ठीक, हाँ, अब आप कैसे करिएगा वो आपके ऊपर है। ठीक, और या तो हम एक क्रम और आगे बढ़ा दें, तो हो जाएगा 12.2 × x = 3.5 × 3.6 मध्य पद गुणनफल बराबर बाय पद गुणनफल, तो x बराबर 3.5 × 3.6 / 1.2 कट गया, 12 × 12 = 36। ठीक, ये हो गया। फिर x बराबर 35 × 105 इसका x का मान होगा कितना, 10.5। ठीक, 10.5 होगा। ठीक, आगे बढ़े, 10.5 आगे बढ़े। अब इस पर सवाल लगाते हैं, लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, चार गेंदों का मूल्य बीस रुपया है तो दो गेंदों का मूल्य क्या होगा। ठीक, चार गेंदों का मूल्य बीस रुपया है तो दो गेंदों का मूल्य क्या होगा। हाँ, कैसे निकालेंगे, दो तरीके से निकालेंगे, लेकिन हम लोग अनुपात का नियम नहीं पढ़ेंगे। कह रहा है चार गेंद का मूल्य कितना है, 20 रुपया, समानुपात है, दो गेंद का मूल्य 100 रुपया। हम जाते हैं बाह्य पदक गुणनफल बराबर मध्य पदक गुणनफल, 4 × x = 20 × 2, तो x बराबर 20 × 2/4 ना, 4 × 5 = 20, x बराबर 5 × 2 = कितना, 10 रुपया। ठीक, यदि 4 गेंदों का मूल्य 20 रुपया है तो 2 गेंदों का मूल्य क्या होगा, 10। इसे कहते हैं कौन सा अनुपात कहते हैं, देख लेते हैं इसका नाम, अनुलोम अनुपात। यदि सामान की संख्या कम होती है तो अनुपात का मूल्य भी क्या होता है, कम। 4 गेंद 20 रुपया, 2 गेंद 10 रुपया। ठीक, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कैसे, एक तरीका ये हो गया अनुपातिक विधि, अनुपात में रख के हम सॉल्व कर देंगे, जैसा कि आपके सामने हमने सॉल्व किया है। ठीक, इसको तीर बना के करते हैं, 4, 2। ठीक, तो 4 गेंदों का मूल्य कितना है आपका, 20 रुपया, तो 2 गेंदों का मूल्य 100 रुपया, तो इस तरह से करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 अनुपाते 20
फिर 2:1 यक्स। ठीक, लेकिन ऐसे विधि हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे गेंदों की संख्या, यहाँ गेंदों का मूल्य। ठीक, ये हो जाएगा गेंदों की संख्या और ये मूल्य। ठीक, और उसके बाद ये गेंद हो गई, ये मूल्य, 4 गेंद 20 रुपया, 2 गेंद 100 रुपया, 4:20 2:1 बाह्यपदगुणनफल और मध्यपदगुणनफल। ठीक, एक तरीका हो गया। अब और अगले तरीके सॉल्व करते हैं, फिर हम एक ही तरीका ही पकड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये माने नहीं रखता कि आपने सवाल कैसे लगाया है, सवाल आपने पूरा लगाया, उसका उत्तर आया है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो वहां तक पहुंचेंगे। विधि, क्योंकि एक ही प्रश्न को कई विधि से लगाया जा सकता है। आगे बढ़े, इसी प्रश्न को एक विधि से और लगाते हैं हम। क्या करेंगे, कह रहा है कि 4 गेंद कितने की है, 20 रुपए की। 4 गेंद कितने की, 20, 1 गेंद 20/4 माने कितने की, 5 रुपए की। तो 2 गेंद है, 5×2=10 रुपए। इसे कहते हैं एकिक नियम, यह है एकिक नियम। और ये क्या है आपका, ठीक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आप लोग भी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समस्या ना हो। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन लिखिएगा 10 पेंसिल का मूल्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास आंसर रहेगा। 10 पेंसिल का मूल्य 9 रुपया है, 10 पेंसिल का मूल्य 9 रुपया है, तो 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। 10 पेंसिल का मूल्य 9 रुपया है, तो 20 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। ठीक, कई विधि से लगा सकते हैं। सीधा सीधा 10 पेंसिल का मूल्य क्या रुपया है, 9 पेंसिल मूल्य कितना है, अच्छा 10 पेंसिल का मूल्य 9 रुपया समानुपाते, फिर क्या कह रहा है, 20 का x, तो 10 × 9 = 10 × x = 9 × 20, फिर हो जाएगा 10 × x = 10 × x है तो x = 9 × 20, ये गुड़े में इधर आएगा तो बटे में 0 0 कट गया, फिर 9 × 2 = 18, तो x = 18। तो 10 पेंसिल का मूल्य 9 रुपया, तो 20 पेंसिल का मूल्य 18, सीधा 2 गुना कर दिया है। इसे लिखते कैसे हैं, यहाँ लिखेंगे पेंसिल, पेंसिल कितना है, 10 पेंसिल क्या रुपया में, 20 रुपया में, मूल्य हो गया 10 पेंसिल, अच्छा 9 रुपये का, 10 पेंसिल 9 रुपया का, तो 20 पेंसिल 100 रुपया का। ठीक, 10 × 9 समानुपाते, 20 × x, x की वैल्यू कितनी है, 18 रुपये। या तो ऐसे लगाएंगे, कैसे, कि 10 पेंसिल कितने की, 9 रुपये की, 1 पेंसिल 9/10 रुपया की, कितना पूछा, 20 पेंसिल, तो 20 पेंसिल बराबर 9/10 × 20 कट गया, तो 2 × 9 = 2 = 18 रुपये। ये 3 विधियाँ लिख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा, तीनों विधि से आप सॉल्व कर लीजिए। क्या कह रहा है कि 10 पेंसिल 9 रुपया का, 1 पेंसिल क्या हो जाएगा, 9/10 रुपया का, 20 पेंसिल 9/10 × 20 कर देंगे, 1 पेंसिल का दाम पता हो गया, तो 20 पेंसिल दाम निकालने क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा किए 0 से कट गया जी, 9 × 2 = 18, 18 रुपया हो गया। ठीक, कोई समस्या, इसके उत्तर की स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं, और सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि जो अभी और नए जुड़े वो लोग भी जुड़े हैं, तो प्रयास करिए सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास कम से कम 20 से 25 ग्रुप होंगे, तो अगर आपको लगता है किसी के हित का है तो उसे शेयर कर दीजिए, वरना आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन शेयर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट रख लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट रख लिए, आप अगला लिखिए क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दो घंटे में 120 किलोमीटर जाती है,
एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो वह उसी चाल से 5 घंटे में, तो वह उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी बताइए। पहला तरीका लिखेंगे हम लोग कि क्या कितने घंटे में, यहाँ लिखेंगे घंटा। 2 घंटे में दूरी कितनी तय कर रही है, 120 किलोमीटर। दूरी किलोमीटर में, समय घंटा में है, ठीक, ये हो गया ना। 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 2 घंटे में 120, तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर, नीचे क्या बन जाएगा, अरे को निशान। अब 2 घंटे में 120 किलोमीटर तो लिखेंगे हम 2:120 समानुपाते 5:100 यक्स। फिर बाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का, तो बाय पद माने 2 × यक्स, मध्य पद माने बराबर 120 × 5, यक्स बराबर 120 × 5/2, क्योंकि इधर गुड़े में घटेगा बटे में, 2 से कटेगा 120, 60, तो यक्स बराबर 60 × 5, तो यक्स बराबर 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक। ये हो गया आपका अनुपातिक विधि। दूसरी विधि, रेलगाड़ी क्या है, रेल जो है 2 घंटे में कितना दूरी तय करती है, 120 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना तय करेगी, 1 घंटा बराबर 120/2 बराबर 60 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटा बराबर 60 × 5, तो बराबर 300 किलोमीटर। ये 2 विधियाँ हैं, दोनों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों से 300 उत्तर आया है, दोनों विधि में यूज कर सकते हैं। करा एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से चले तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक। तो ये हो जाएगा 2:120 समानुपाते 5:100 करके इस तरह से लगा लीजिए, या तो आप ऐसे लगा लीजिए, जो विधि आपको समझ में आए, दोनों विधि सही है और सरल है, ठीक। इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए आप सभी ग्रुप में, अगर आप लाइव हैं तो सभी को शेयर कर दें और लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि सेमेस्टर के साथ साथ ये CTT UPTET SuperTET सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये केवल सेमेस्टर के लिए ही नहीं है, और इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि ये SuperTET और UPTET की जो अभ्यर्थी उन तक भी पहुँच जाइए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट इसलिए कहते हैं ताकि आपके पास क्वेश्चन का आंसर सुरक्षित रहे, वरना स्पीड इतनी तेज है कि आप पता नहीं चलेगा आपने सॉल्व किया कि नहीं सॉल्व किया। लिखिएगा, 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, उतने ही दिनों में कितने मजदूर 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे, 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे, ठीक। और आप लोग भी इसे सॉल्व कर लीजिएगा और अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिएगा, अब उत्तर बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो हम तो सॉल्व करेंगे ही, ठीक। एक बार आप प्रयास करिए लगाने का, अगर नहीं लगा पाते हैं तो हम आपको 2 विधियों से बताएंगे, दोनों महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, ठीक। और आप ऑनलाइन क्लास और नोट्स अगर चाहिए तो आपको हमारे उपलब्ध है, CTT UPTET SuperTET की तीनों की, और सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन को हम भी, और प्रयास करिएगा इस वीडियो लिंक को सभी ग्रुपों में सेंड कर दिए, ताकि जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं आपके साथ वो भी जुड़ जाए, क्योंकि परीक्षा पहले आपकी गणित की पूरी सिलेबस हम खत्म कर देंगे आराम आराम से, जिस तरह पढ़ा रहे हैं इसे तेज भी कह सकते हैं, आराम भी, दोनों कह सकते हैं। लेकिन लगेगा क्या, पहले कह रहा है या दिन की बात कर लेते हैं और फिर सड़क की बात कर लेते हैं, तो 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, ये दिन में है, ये किलोमीटर में है, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि यक्ष मजदूर कितने मजदूर कितने मजदूर
क्या करेंगे, 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क उतने ही दिन में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 25:7.5 समानुपाते यक्ष अनुपाते 10.2। फिर हम जानते हैं बायपदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो बायपद हो जाएगा 25×10.2 = 7.5×यक्ष, तो यक्ष बराबर, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 25×10.2/7.5 = यक्ष। इधर गुणे में था, इधर बटे में हो गया, एक अंक दशमलव से कट गया, तो 25×1=25, 25×3=75, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3×3=9, 3×4=12, तो हो जाएगा यक्ष बराबर 34। तो मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 34। कितने मजदूर हो जाएंगे, 34। एक इसका और तरीका है जो शॉर्टकट में हमें लिखना है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम यहाँ लिखेंगे M1 D1 T1 / W1 = M1 D2 T2 / W2। कहेंगे ये क्या है सर, ये देख लीजिएगा, पहला मनी, पहला दिन, पहला काम, कितना काम। दूसरा मनी मने M2 D2 T2 W2, इसमें देखेंगे कह रहा है 25 आदमी, क्या क्या पता है, 25 आदमी, 25 कितने दिन में सड़क बनाते हैं, एक सप्ताह में, कितना लंबी सड़क, एक सप्ताह में, सड़क की लंबाई क्या, वर्ग कितना कर रहे हैं, 7.5 बराबर। दूसरा मने कितना है, यक्ष, सप्ताह में, एक ही सप्ताह में कितना बना रहे हैं, 10.3, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25×7.5 = X/10.2। त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25×10.2 = 7.5×X। बाकी यहाँ सॉल्व है, उसके बाद की ये सॉल्व यहाँ से देख लीजिएगा। अरे भाई हो जाएगा भैया, यक्ष बराबर 25×10.2/7.5, ये 0.5 से 1 कट गया, 25×3=75, 3 से कटा 34, तो कितने आदमी, 34 आदमी। तो ये दोनों विधि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, और वीडियो लिंक को सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप। तो ये आप लोगों ने समझ लिया, हमने दो तरीके से पढ़ा, और ज़्यादातर आप लोग यही फार्मूला यूज़ करिए क्योंकि आगे भी प्रश्न आपको मिलेंगे, और ऐसा BTC में DLED ने पूछा भी गया है, क्योंकि इसके पहले तो BTC था, BTC में पूछा गया है M1 D1 T2/W1 M2 D2 T2/W2। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट भी साथ में रखते चलिएगा, और वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सके, जो नहीं जुड़े वो भी जुड़ते जाए। क्वेश्चन लिखिएगा, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, तो 7 कलमों का मूल्य क्या होगा, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है तो 7 कलमों का मूल्य क्या होगा, इसका जवाब आप बताइएगा, सॉल्व करके बताइएगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ उत्तर बता दे रहे हैं, 28 रुपया आएगा, कैसे आएगा वो आप सॉल्व करिएगा, आप जानिएगा, 28 आएगा ना, हाँ 6×24=28 तुरंत निकल जाएगा, लेकिन कैसे आएगा आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, एकिक नियम से भी लगाइएगा, क्योंकि हमने पढ़ाया है, बताया भी है, एकिक नियम से भी और उस नियम से भी, ठीक, दोनों नियम से लगाइएगा, और उम्मीद प्रयास करिएगा सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, जब नहीं लगा पाएगा बताइएगा, तो हम दोहाई हैं। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन बोल देते हैं, हो गया, लग गया, आ गया 28, कैसे लगाया, अरे 6:24 7:7x। ठीक, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब हम सब थोड़ी बताएंगे, हम बताएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, कुछ आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, कुछ आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, कुछ आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, कुछ आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं,
तो वही मजदूर एक दिन में तो वही मजदूर एक दिन में तो वही मजदूर एक दिन में कितना काम करेंगे तथा वही मजदूर एक दिन में कितना काम करेंगे तथा तथा शेष कितना काम बचेगा तथा शेष कितना काम बचेगा तथा शेष कितना काम बचेगा। इसको देख लीजिए, बता रहे हैं कुछ मजदूर एक काम को कई दिन उठाते हैं, एक काम को कई दिन में, चार दिन में, हाँ कितना दिन में, चार दिन में, एक दिन में कितना करेंगे तो एक दिन में करेंगे, एक दिन में चार इधर आएगा तो एक बटा चार काम करेंगे, कितना काम करेंगे एक दिन में, एक बटा चार काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे एक बटा चार। भाई अगर दो दिन में आप लोग एक रोटी बनाती हैं, कितना एक रोटी, दो दिन में तो एक दिन में कितना बनाएंगे एक बटा दो, ठीक आधा रोटी। तो उसी तरह है, अब कह रहा कितना काम शेष है, तो कुल काम हमेशा एक होता है, एक दिन का किया गया काम निकाल देंगे, एक दिन कितना काम किया है एक बटे चार निकाल देंगे, चार एक के चार में से गया तीन बटे चार, तो शेष काम है ये, शेष काम निकल गया। नहीं वही तो हर विधि अनुपात में समझेगा, अरे कुल काम एक है और शेष काम एक में से एक दिन काम निकाल लेंगे बचेगा तीन बटे चार का, ठीक कोई दिक्कत कोई समस्या, स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 120 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति कितने समय में पूरा करेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 120 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति कितने समय में पूरा करेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितनी 120, चाल कितना है 20, काट देंगे 60 घंटा, कि भैया किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किसमें किलोमीटर घट जाएगा बचे घंटा 60 घंटा, सॉरी 6 घंटे में, ठीक। हो गया आगे क्वेश्चन लिखेगा, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा, 1260 कितना होगा, तिगुना किया अभी तिगुना कर दीजिए, नहीं किया तो लगाइए सॉल्व। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा। दो विधि, पहली विधि चाय मूल्य 4 किलोग्राम चाय 420 रुपए का 12 किलोग्राम चाय 100 रुपए का, तो ये हो जाएगा 4:420 = 120 ठीक। तो बाह्य पद गुणनफल बराबर 4 × x बराबर मध्य पद गुणनफल 420 × 100 बराबर 420 × 120 का है 12 बटे 4 चार एक के चार चार तिया 12 तो यक्स बराबर 420 × 3 तो यक्स बराबर 1200
60 रुपया, 1260 रुपया। स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लीजिएगा, बार बार ना करना पड़े, सबको शेयर कर दीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो 6306344367। आप ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक। और इसकी दूसरी विधि क्या है, कह रहा है 4 kg चाय कितने का है, 420 रुपए का। तो 1 kg 420 बटे 4, तो कट जाए कितना होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, माने 105 रुपया। तो 12 kg चाय, 1 kg 105 का, तो 12 kg 105 × 12, 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12, 1260 रुपया। दोनों विधि से समझ लीजिएगा, लगा लीजिएगा, और आप साथ में स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है तो 10 कलमों का मूल्य कितना होगा, 40। ऐसा कर लीजिए कि प्रश्न खत्म होने से पहले आपको उत्तर आ जाए, यही उत्तर होगा। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। चालीस आएगा। सेम मेथड है और यही बता दे रहे हैं, आप इसी विधि से लगा लीजिएगा। अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कुछ आप भी मेहनत करें ना, अगर सब हम ही कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी ना। एक आध क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिए, क्योंकि करना क्या है, ये हो जाएगा कलम, ये हो गया मूल्य, ठीक। तो क्या कह रहा है, 6 कलम 24 रुपया, 10 कलम 100 रुपया। नीचे की तरफ तीर कर दीजिए, नीचे की तरफ बढ़ें, 6 कलम 24 का 10 कलम 100 रुपया, बस अब तो कर लेंगे ना, कि नहीं कर पाएंगे, हमसे भी बड़े गधे आप लोग हैं। 6 × अभी तो हम ही मानते थे सबसे बड़े गधे हम ही हैं। 6 × 24 समानुपाते 10 × 100, ठीक। अब बाकी तो आप कर लेंगे, बाह्य पद गुणनफल, मध्य पद गुणनफल, तो 6 × x = 24 × 10 = 24 × 10/6, 6 × 24, तो x = 4 × 10 = 40। तो कितना रुपया होगा मूल्य, 40 रुपया, 10 कलम का मूल्य 40 रुपया। इधर से भी लगा सकते हैं आप, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप, आपको काम देगा। और इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में। हाँ ठीक है, आप लोग सॉल्व करते रहिए, लेकिन आपको उत्तर नहीं देखने, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा, आपका टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो लिंक को शेयर भी करते रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए, और आज हम खत्म हो जाएगा तभी आप लोग जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है, ठीक। तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी, 2007 उत्तर आएगा। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है, तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितना होगा, ये आप लगाइए, इसका उत्तर आप खुद बताइए। 5 मजदूर 1250, ठीक, 8 मजदूर 100 रुपया, 5 × 1250 समानुपाते, क्या मजदूर पूछा है, 8 × 1 = 100।
अरे एक मजदूर का सीधा निकाल लिया 250 रुपया, तो 8 मजदूर का 2000 आ गया ना। तब बताइए, गणित वास्तव में आसान है, लेकिन आप लोग शेयर कर दिए ताकि और लोग को भी, जिनको पहाड़ सा लगता है गणित, उनके लिए भी आसान हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, अब मजेदार क्वेश्चन है। 4 गेंद या 3 कलम, 4 गेंद या 3 कलमों, 4 गेंदे या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपया है। 4 गेंदे या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपया है, तो 6 गेंदे, तो 6 गेंदे और 6 कलमों का मूल्य क्या होगा? 6 गेंदे और 6 कलमों का मूल्य क्या होगा? 6 गेंदे और 6 कलमों का मूल्य क्या होगा? 6 गेंदे और 6 कलमों का मूल्य क्या होगा? आप इसका उत्तर बताइए। अच्छा काम करिए, इस वीडियो लिंक को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जाएं। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप उत्तर भी लगातार बता रहे हैं, तो आपका कमेंट इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, कारण क्या है कि हम ये चाहते हैं कि आप शेयर करें, आपसे बात करने सब में आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए आप बताते रहे, हम भी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम आप भी कमेंट में आते हैं और कमेंट में जवाब देते रहते हैं आपके। ठीक है, तो बस शेयर कर दीजिएगा। अगर ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं सीटेट यूपीटेट सुपर टेट के लिए, तो ऊपर नंबर लिखा गया है 6306344367 पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था? 4 गेंदे या 3 कलम। देखिए, 4 गेंदे या 3 कलमें कितने की हैं? 12 रुपए की हैं। तो पहले अगर चार गेंदे कितने की हैं? 12 की। एक गेंदे 12/4 3 रुपए, माने एक गेंद बराबर कितने की हो गई? 3 रुपए की। फिर इधर आते हैं, या 3 कलमें कितने की हैं? 12 की, एक कलम 12/3 × 12, तो एक कलम कितने की हो गई? 4 रुपए की। तो 6 गेंदे प्लस 6 कलमें का मूल्य होगा, एक गेंद 3 रुपए की, 6 गेंद 6 × 3, एक कलम 4 रुपए की, तो 6 कलम 36 18, 6 × 24 18 × 24 42, पता नहीं 42। ठीक, इसको भी समझ लीजिएगा। ये तो हो गया आयकी के नियम से, अब आपको बताएंगे समानुपातिक नियम से कैसे लगेगा। स्क्रीन शॉट आप रख लीजिए, समझ में आ रहा है ना? स्पीड ज़्यादा है तो आप कम कर लीजिए, कम हो तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा। आपको सिस्टम तो खुद आपको यूट्यूब दिया है, अगर कोई समस्या हो तो बताइए। हो गया, आगे बढ़े। यहाँ पे प्लस रहेगा। अब जानते हैं हमको जोड़ घटाना गुणा भाग चिन्ह ये सब नहीं आता। ठीक, आगे बढ़ा जाए। इसको हम लगाते हैं अनुपात में, लगा दे रहे हैं भाई, आप लोग कहिए तो हम लगा देंगे। नहीं भी अनुपात में लगा दे भैया, ये लोग आदेश आ रहा है कि अनुपात में लगा दे। ठीक है, अनुपात में लगा दे, लेकिन आप उसके लिए एक शर्त है, आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न पढ़िए,
देखिए चार गेंदे, यहां से लगाना शुरू करें, यहां पे लिखे पहले गेंद, यहां पे लिखे मूल, यहां पे लिखे गेंद और यहां पे लिखे मूल, ठीक दिख रहा है ना। चलिए कह गए थे चार गेंदे कितने की, 12 रुपया की, या एक गेंद है और क्या है कलम, रुक जाइए, चार गेंदे 12 रुपया की, तो 6 गेंदे 100 रुपया की, फिर यहां आते हैं चार कलम ना 12 रुपए की, अच्छा 3 कलम 12 रुपए की, तो 6 कलम का मूल्य 100 रुपया। ये देखिए यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे, तो हो जाएगा 4:12 समानुपाते 6:1 बाईपद गुणनफल, 4 × x = 12 × तो x = 12 × 6/4 तो 4 × 3 = 12 तो x = 3 × 6 = 18 तो क्या हो गया 6 गेंदों का मूल्य कितना है आपका 18 रुपया आ गया। कितना आ गया, अब इधर आते हैं कलम में, 3 × 12 का तो 6 कलम, भाई 6 कलम का दाम पूछा है ना, तो लिखेंगे 3:12 समानुपाते 6:1 बाईपद गुणनफल मध्यपद गुणनफल, तो 3 × x = 12 × 6 × 12 × 6/3 3 × 6 तो x = 12 × 2 = x = 24 ये हो गया। अब इन दोनों को मिला के, भैया मिला के कितना हो जाएगा 18 + 24 = 42 6 गेंद 6 कलम कितने हो गया 42 रुपया, ठीक। इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, जो समझ में ना आए बताइए, उसमें दोबारा बताएंगे, और उम्मीद करते हैं कि नहीं इतना बताने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझसे बड़ा गधा नहीं दिखाऊंगा अपने। इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और हाँ सबको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करें ना करें कोई मतलब नहीं, सब्सक्राइब करें ना करें कोई मतलब नहीं, शेयर कर दीजिएगा ताकि हो सकता है शेयर करने से आपको उनकी मदद हो जाए जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, आपके जो साथी होंगे, क्योंकि आपके पास कम कई जो ग्रुप होंगे तो सभी ग्रुपों तक ये मैसेज पहुँच जाएगा, तो लोग भी पढ़ लाएंगे, और पढ़ा गाली तो नहीं देता क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक लगना सब्जेक्ट मैथ है, और एक क्वेश्चन आज फिक्स है, आपने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा, वैसे मैंने शेयर भी किया है अपने टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे अगर वीडियो कहीं नहीं मिले, कभी कभी होता क्या है कि लिंक नहीं जा पाता यूट्यूब के उधर, तो आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करके इलेनी दुर्गेश पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज इलेनी दुर्गेश पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, एक मशीन 5 घंटे में 200 पन्ने छापती है, एक मशीन 5 घंटे में 200 पन्ने छापती है, 200 पन्ने छापती है, तो दो तो वह 2×10³ पन्ने छापने में, तो वह 2×10³ पन्ने छापने में कितना समय लेगी, 4 घंटे, नहीं 5 मिनट लेती है ना तो कम समय लगेगी, 5 × 20 20 मिनट लगेगी, तो सॉल्व करिए इसको मिटा रहे हैं, एक मशीन 5 घंटे में 50 मिनट लेगी, एक मशीन 5 मिनट में 500 पन्ने छापती है, हाँ अच्छा 5 घंटे बोल दिए क्या, उसे 5 मिनट कर लीजिएगा, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, ठीक, तो 2×10³ पन्ने छापने में उसे कितना समय लगेगा, 50 मिनट आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले कह रहा है कि 5 मिनट में, चाहे जिस विधि से लगाएंगे दोनों विधि से लग जाएगा, 5 मिनट में कितना यहाँ समय लिख देते हैं, समय पन्ना 5 मिनट में, मिनट लिख देते हैं समय में, मिनट 5 मिनट कितना पन्ना 200, यक्स मिनट में 2×10³ इसको लिख सकते हैं, 2×10³ × 10 × 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 2000, ठीक कोष्टक में हो जाएगा 2000,
ठीक, तो इस तरह से बना लीजिए। तो 5:200 समानुपाते 2000 यहाँ, तो 5×2000 = 200×x, तो x बराबर 5×2000/200, 2 × 2 × 2 कट गया, 2×10=20, तो हो जाएगा x बराबर 5×10=50 मिनट। 50 मिनट वैसे भी निकाल देंगे, 5 मिनट में 200, 1 मिनट में 40, फिर भाग दे देंगे 2000 में 40 से 50 मिनट, तब भी आ जाएगा। चाहे एक निकाल के करिए, चाहे कई निकाल करिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन बोले तो। एक परिवार के 4 × 1/2 यूनिट सदस्यों पर, एक परिवार के 4 × 1/2 यूनिट सदस्यों पर 36 केजी गेहूं मिलता है, तो 3×1/2 यूनिट सदस्य वाले परिवार को कितनी गेहूं मिलेगी। तो 3×1/2 यूनिट सदस्यों वाले परिवार को कितनी गेहूं मिलेगी, कितनी गेहूं मिलेगी, उम्मीद करते हैं आप इसे सॉल्व कर लेंगे। बैठा दे इसको, तो कर ही लेंगे, इतना देर से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसी यूनिट को लिखेंगे यहाँ पे, 4×2 = 8, 9/2 गेहूं, 36 केजी, 3×6 = 7/2 यक्स केजी, तो हो जाएगा 9:36, 9×2:36 समानुपाते 7/2:x, त्रिया गुणा हो जाएगा, तो 9×2×x = 36×7/2, तो ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 18, ये बट गुड़े में उधर जाकर पलट जाएगा, तो यक्स बराबर, पहले एक लाइन और लिख ले, तब 9×2×x = 18×7, ये उधर जाएगा, तो यक्स बराबर 18×7 तो पहले से था, गुड़े ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/9, तो हो जाएगा 9×2=18, तो यक्स बराबर 2×7×2, तो यक्स बराबर 7×14×28 केजी, कितना मिलेगा 28 केजी, 28 केजी। इसे 10 मतलब 4.5 इसको 3.5 भी करके लगा सकते थे, वो आपके ऊपर है, ठीक। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा तो बता देंगे हम, और एक काम करिए इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक तो पहुंच जाए, जिन तक अभी नहीं पहुंचा उन लोग तक तो पहुंच जाए, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम अगला अध्याय पढ़ेंगे और समानुपात में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न को दोबारा लगाइए, नहीं आता फिर हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, जबकि इसके इतर है फिर भी हम बता दे रहे हैं। 315 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी।
समय बराबर दूरी बटे चार, दूरी 315 मीटर, चाल 54 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसे बदलना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 54 × 5/18 तो 3 × 5 = 15 मीटर प्रति सेकंड। पहले चीज समझ लेते हैं फिर लगाते हैं। इसे कोई रेलगाड़ी है, यहाँ कोई खंबा है, ये रेलगाड़ी इस खंभे को कब पार करेगी? ध्यान दीजिएगा, हम ये रेलगाड़ी यहाँ पहुँची, ये खंभा है, पार कर गई। अब पार हो गई ना, पार हो गया। इसका मतलब यह है रेलगाड़ी अगर किसी खंभे या प्लेटफॉर्म किनारे किसी व्यक्ति को जो पार तब तक करेगी जब तक वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी न क्रॉस करे। माने जितनी लंबी रेलगाड़ी है, अगर रेलगाड़ी इतनी लंबी हो जब तक इसका लास्ट डिब्बा यहाँ से नहीं निकल जाता तब तक खंभे को पार, माने अपनी दूरी की बराबर जितनी लंबी रेलगाड़ी होगी जब तक पार नहीं करेगी तब तक खंभा पार नहीं होगा। तो फिर हम निकालेंगे, हमें क्या क्या प्राप्त है, समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे दूरी कितनी होगी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी हमने देख लिया। तो दूरी 315 मीटर, चाल 54 किलोमीटर पर सेकंड है, इसे बदलना होगा एक ही बिरादरी में मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किमी प्रति घंटा में 5/18 से गुणा करते हैं, तो 5/18 से गुणा किए तो 18 × 18 = 54, 3 × 5 माने 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ रख देंगे तो समय बराबर दूरी कितनी है, 315 मीटर, चाल 15 मीटर पर सेकंड, दोनों एक ही बिरादरी होना चाहिए, ठीक। तो हो जाएगा 15 × 15 या 15 × 30, 15 × 15 21 सेकंड में, 21 सेकंड में क्या करेगी वह रेलगाड़ी, उस खंभे को पार कर जाएगी, ठीक। अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम तो है प्रतिलोम समानुपाती, लेकिन हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ते पढ़ते उग गए हैं, अब हम लोग प्रयास करेंगे कुछ ट्रिकी पढ़ना, ठीक। तो क्वेश्चन लिखिएगा, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन सामग्री है, 40 दिन की भोजन सामग्री है, 40 दिन की भोजन सामग्री है, 40 दिन की भोजन सामग्री है। अगर उस छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, तो भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी? इसे कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। तो लेकिन हम लोग अतिलोम प्रतिलोम पढ़ेंगे नहीं, सीधे से मुद्दे पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले जब 50 छात्र कितने दिन भोजन खाते थे, 30 बढ़ गए, अब कितने हो गए 80, कितने दिन खाते हैं, तो ये हो गया ऊपर से नीचे आया, अब क्या होगा दिन की संख्या कम होगी। ध्यान दीजिएगा, अब जो हम समझाना चाह रहे हैं, आपके घर में 5 लोग थे, 4 दिन भोजन चलता 40 दिन, लोग बढ़ेंगे भोजन दिन क्या होगा, तो 3 हो जाएगा उल्टा। एक तरीका इसको अगर लगाना हो कैसे लगेगा, ये हो जाएगा 50 अनुपात 80 हो जाएगा ना, 50 अनुपात 80 समानुपात यक्ष अनुपात 40, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 50 × 40 = 80 × यक्ष, तो यक्ष ये हो जाएगा 50 × 40 = 80 = यक्ष, 40 × 40 = 80 × 2 = 25, तो यक्ष बराबर कितने दिन भोजन सामग्री चलेगी, 25 दिन, कितने दिन। अब दूसरा तरीका आते हैं,
पहले जब 50 आदमी थे तो भोजन कितने दिन चलता था? 50 आदमी का भोजन 40 दिन। 50 आदमी का भोजन कितना चलता था? 50 आदमी भोजन करते थे 40 दिन बराबर। अब कह रहा है आदमी कितने बढ़ गए, कितने हो गए अब भोजन, भोजन कितने दिन चलेगा? 100 दिन। जो चलता कितने दिन पता चला? 100 दिन। तो अब ये 80 × 10^2 तो 50 × 40/80 बराबर 40 × 80 2×25 तो 100 बराबर भोजन जो चलेगा वो 25 दिन तक। हाँ, ये नियम है आपका, अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे, m1 d1 t1 / w2 = m2 d2 t2 / w2। काम वाला समय ऐसे लगाएंगे जिसमें चाल समय काम की बात, काम समय की बात आएगी इसी तरह लगाएंगे, m1 d1 t1 / w1 t2 d2 t2 / w2। मैंने मने ही काम, भोजन करना मैंने काम ही कर रहे हैं ना, जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। पेट में चूहे कूद रहे होंगे। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, शेयर कर दीजिए सभी लोग को ताकि और लोगों तक पहुंच भी जाए। लिखिएगा क्वेश्चन, एक कार 30 km/h की चाल से, एक कार 30 km/h की चाल से, कार बाइक जो भी लिख रहे, साइकिल जो मन में आ लिख लीजिएगा, 30 km/h की चाल से एक दूरी 3 घंटे में तय करती है, एक दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 40 km/h की चाल से, 40 km/h की चाल से उसी दूरी को 40 km/h की चाल से वह कितने समय में तय करेगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने देर में? 3 घंटा में हो गया समय, ये हो गया चाल, तो ये हो गया चाल, ये किमी प्रति घंटा में है, किमी प्रति घंटा में है, और ये क्या है, घंटा में समय हो गया। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी कितने देर में तय करती है? 3 घंटे में। अगर चाल बढ़ा के अगर वो 40 कर लिया तो समय ज्यादा लगेगा कम? आप 30 की जगह 40 चलेंगे समय क्या लेंगे? आप 30 km/h की चाल से जाएं फिर अपनी चाल बढ़ा दें समय ज्यादा लगेगा कम? अपनी गाड़ी रफ्तार बढ़ा देंगे समय ज्यादा लगेगा कम? कम लगेगा। तो ये x हो जाएगा, माने ये तो ऊपर से नीचे आएगा लेकिन ये नीचे से, अब तो ये हो जाएगा 30:40 x/3। तो हो जाएगा 30 × 3 = 40 × x। तो 30 × 3/40 = x। तो 0 0 कट गया, तो हो जाएगा 9/4, तो हो जाए बराबर x। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4 घंटा, 2 सही 1/4 घंटा। अब आते हैं एक अन्य नियम से लगाते हैं, कि दूरी बराबर चाल × समय। चाल कितनी है? 30, दूरी है 3, तो कितना हो जाएगा? 30 तिहाई
90 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में जाते हैं वो, कितने देर तय करते हैं, 3 घंटे में। अगर इसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तब तो समय बराबर दूरी बटे दूरी है 90, नई चाल 40, 0 0 कट गया, 9/4 घंटा, तो 2 सही 1/4 घंटा। तो अब समय कितना लेंगे, 2 सही 1/4 घंटा। अब 1/4 को अगर मिनट बदलना है तो हो गया 2 घंटा। 1/4 घंटे को मिली मिनट में 60 से गुणा कर दीजिए, 15, तो 15 मिनट, तो ये हो जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। दोनों विधियाँ हैं, जो आपको समझ में लगे उसको लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप साथ में रखते चलिए और सभी को शेयर कर दीजिए। और ऑनलाइन क्लास के लिए ऊपर नंबर दिया, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं सीटेट रिपीटेड सुपरटेट के लिए, या नोट्स आपको अगर चाहिए तो यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा 6306344367 से। लेकिन वीडियो लिंक को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि जो साथी भी आपके नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाएँ और साथ पढ़ लें, ऐसे आपकी इच्छा, शेयर करें ना करें, क्योंकि लाइव क्लास है, अगर शेयर कर देंगे तो भी साथ आपके पढ़ लेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक, कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, हम पूरी पूरी मदद करेंगे आपकी। इससे जुड़े हुए सवाल को अभी कुछ सॉल्व कर लेते हैं, कुछ इसके बाद कल सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़ें। 12 मजदूर किसी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, 12 मजदूर किसी काम किसी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, 12 मजदूर किसी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो 6 मजदूर नहीं 12 मजदूर दीवार को 10 दिन बनाते हैं तो 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, तो उस दीवार को 6 दिन बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन बनाते हैं तो 6 दिन बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक, ये हम ये वाला विधि से आप लगा लीजिएगा, हम T1D1 से लगा दे रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट रख लिए थे ना, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद, क्योंकि मैं आपके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, कह रहा है T1 m1 d1 t1 बटे w1 बराबर m2 d2 t2 बटे, क्या कह रहा है, कितना आदमी, 12 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, m1 × d1 बराबर कह मनई नहीं पता यक्ष मनई उसे काम को 6 दिन में निपटा दें बस, तो 6 इधर आ जाएगा, तो 12 × 10/6 बराबर यक्ष, 6 × 12 2 × 10 बराबर यक्ष बराबर 20 दिन में, यक्ष बराबर 20 दिन, 20 दिन उसे निपटा देंगे। ऐसे देख लेते हैं, दिन कई दिन में है, 10 दिन में कितना काम, 12, अच्छा 10 दिन में हो गया मजदूर, 10 दिन में 12 मजदूर काम करते हैं, तो 6 दिन में यक्ष मजदूर, तो देखिए 10 मजदूर 12 दिन में करते हैं तो 6 मजदूर, समय ज्यादा लेंगे कम, भैया 10 मन ही काम पे लगाए हैं आप, ज्यादा समय लेंगे तो नीचे से ऊपर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच जाए, जो अभी तक नहीं जुड़े वो भी जुड़े हैं। तो हो जाएगा आपका 10 × 6 = x / 12, चाहे इससे साल पर चाहे विधि, दोनों विधि आपके सामने हैं। और ऑनलाइन क्लास के लिए भी 6306300 और फेसबुक पेज पे हमारे ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़ सकते हैं आप, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश और
टेलीग्राम पे भी दुर्गेश सर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश से। थर्ड सेमेस्टर की जो हम पढ़ाए क्वेश्चन को सारा रिपीट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसको बहुत प्रश्न पूछ दे, क्योंकि जो मैं आपको ये क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ये सभी SCERT की किताब जो है राज्य सरकार की उसी किताब से लगवा रहा हूँ, और जो पेपर बनते हैं क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के, वो वहीं से प्रश्न उठा के पूछे गए हैं। तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक बार क्वेश्चन याद रहेगा, सवाल आपको आएगा परीक्षा में तो हो सकता है हमारा द्वारा पढ़ाए गए उत्तर ही आपको याद हो और डायरेक्ट आप सवाल को लगा ले। लेकिन इस ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो लिंक को सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन तक नहीं पहुँच पाए उन तक भी पहुँच जाए और वो लोग क्या करें आसानी से सॉल्व कर ले और हमसे जुड़ सके। तो आप अगर कोई आपको समस्या हो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है तो लंबा इसका भागेंगे, इसका एक हिस्सा और बचा है जो हम अगले दिन आपको उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि आपकी लंबी भी वीडियो जाती है आप लोग भी थक जाते हैं, अब भूख के हमारे पेट में आपको चूहे भी कूद रहे होंगे, कितनी देर से बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। तो बस इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना देर से पढ़ रहे थे, लेकिन इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए, मैं बार बार कहूँगा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर ग्रुप में जाएगा, सभी लोग पढ़ पाएंगे आपकी तरह, जिससे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं उपलब्ध हो पा रहा होगा तो भी मेहनत से पढ़ लेंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे। बस इसी के साथ जय हिंद जय भारत।